रियो ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय दल आज अपने खेलों का प्रदर्शन करेगा। आज जो खेल खेले जाएंगे भारतीयों की तरफ से वो है हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस। इसके साथ ही और जो भी कुछ हुआ है पिछले ओलंपिक में भारतीय टीम के साथ, क्या कुछ किया है भारतीय टीम ने, देखते हैं एक रिपोर्ट में। भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद से वह ओलंपिक पदक की तलाश में है। इस बार टीम ने पीस रिजेश की कप्तानी में रियो का टिकट हासिल किया है। वहीं साल 2004 में एथेंस में टीम क्वालिफाई तक नहीं पहुंच पाई थी। हाल ही में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीता है। रियो ओलंपिक में भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन में सरदार सिंह का अहम योगदान होगा। भारत को इस बार ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। भारतीय नौकायन खिलाड़ी दत्तू बबन भोकानल ने फीसा एशिया ओशियाना ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पुरुषों के एकल स्कल वर्ग में रजत पदक जीतकर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सेना के इस नाविक ने 2 किलोमीटर की दूरी 7 मिनट 63 सेकंड में पूरी करके दूसरा स्थान हासिल किया था। इस वर्ग से शीर्ष 7 खिलाड़ियों ने भी और ओलंपिक में जगह बनाई है और आज मुकाबले को तैयार हैं। सितारों से सजी भारतीय शूटिंग टीम अपना जलवा बिखेरने को बेकरार है। सभी की नजरें फॉर्म में चल रहे जीतू राय पर होंगी। महिला टीम से अपूर्वी चंदेला, आयुनिका पाल भी पदक की दावेदार हैं, जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में गोल्ड और सिल्वर जीत चुकी हैं। हिना सिद्धू ISSF वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसी साल उन्होंने वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था। लंदन में 10 मीटर फाइनल में चूकी हिना इस बार गलती सुधारना चाहेंगी। टेबल टेनिस की दुनिया में भारतीय खिलाड़ी अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। रियो में शरद कमल, मौमा दास, सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा जैसी खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। हालांकि इन खिलाड़ियों से किसी तरह की कोई उम्मीद लगाना बेमानी होगा। खिलाड़ी मनिका बत्रा ने नेशनल सिंगल्स का खिताब जीता है और वो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। रियो ओलंपिक में लिएंडर पेस से भारत को पदक की पक्की उम्मीद है। पेस ने भी रियो पहुंचने के बाद अटलांटा ओलंपिक 1996 में पदक जीतने की पुरानी यादें ताजा करते हुए एक बार फिर देश के लिए कुछ कर दिखाने का इरादा जाहिर कर दिया है। अपनी उम्र को मात देते हुए लिएंडर पेस रियो में रोहन बोपन्ना के साथ डबल्स में उतरेंगे। तो ये तो हुआ पिछले कुछ ओलंपिक्स का लेखा जोखा, जो भारतीय टीम ने उसमें क्या हासिल किया। अब देखना यह होगा कि इस ओलंपिक में भारतीय टीम देश के लिए कितने पदक लाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।